हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है मेरे पास, आज बजाज की पल्सर P150, इसकी प्राइस, माइलेज क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हो चुकी है यहाँ पे एकदम शुरू। तो मेरे पास खड़ी है बजाज की पल्सर P150, जो कि रेड कलर में है। तो इसकी बात करके इसको आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है, तो आप आगे तक बने रहिएगा। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो हो चुकी है एकदम शुरू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट लुक से, जो कि फ्रंट लुक इसका है। यहाँ पे आपको वाइजर मिल जाता है, स्मॉल थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि ब्लैक कलर में। यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह है, यहाँ पे जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाती है, DRL लाइट्स वगैरह हैं इसके साइड में, जो कि हमें आगे का जो फ्रंट लुक लग रहा है काफ़ी फर्स्ट लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपकी बात करते हैं सस्पेंशन की, तो यहाँ पे मोटे से बढ़िया से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। या उसके बाद मडगार्ड की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे ड्यूल टोन में आपको मडगार्ड, आपको यहाँ पे रेड कलर की ब्रांडिंग, उसके बाद ब्लैक कलर में मिल जाता है। साइड में आपकी ABS की ब्रांडिंग है, जो कि यहाँ पे सिंगल चैनल ABS सिस्टम मिलता है। और यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी हैवी आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है, यहीं पे आपको ABS सिस्टम का सपोर्टिंग है। यहाँ पे जो अगर एलो व्हील की बात करते हैं, तो यहाँ पे हल्की सी आपकी ग्रेपिक्स दी गई है रेड कलर में, यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छी लगती है भाई। इसका जो टायर साइज है, वो टायर हमारा मिल जाता है 80x117 इंच एलो व्हील के साथ, जो कि ब्लैक कलर के एलो व्हील दिए गए हैं, जो कि एकदम मतलब अलग यूनिक टाइप के दिए गए हैं। ट्यूबलेस टायर मिलता है MRF कंपनी का। तो ये तो हो गई यहाँ से आगे की बात। अब बात करते हैं टाइट साइड की, जो कि यहाँ पे पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। यहाँ पे 3D लोगों में सिल्वर कलर के एकदम बढ़िया सी लग रही है। यहाँ पे आपको टैंक पे आपको साइड कॉल दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। और यहाँ पे आपको स्टिकर, हल्का सा स्टिकर मिल जाता है, जो कि रेड कलर का एकदम बाइक है ये। उसके बाद यहाँ पे सिंगल हॉर्न मिलता है आपको। तो ये इसकी हॉर्न की बात है। यहाँ पे आपको इंजन कॉल वगैरह, डस्ट वगैरह रोकने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा ये भी रेड कलर में लग रहा है, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इंजन की बात करते हैं, तो 150 cc का इंजन मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे किक का भी सपोर्टिंग दिया गया है, उसके बाद सेलअप भी है गाड़ी। तो इसकी बात पीछे की, ये आपकी है भाई आपकी ब्रेक, जो कि एकदम सिल्वर कलर में दी गई। यहाँ पे फुटरेस्ट एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे टाइप के दिए गए। यहाँ पे ये भी आपके एलुमिनियम सिल्वर कलर के एकदम मिल जाते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल फुटरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है भाई साइड में, छोटा सा इस मतलब आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिया गया लुक वाइज। इसकी आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया रेड स्प्रिंग के साथ में, जो कि नेटवर्क सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे इंजन आपके डस्ट, इंजन नहीं, डस्ट वगैरह रोकने के लिए यहाँ पे मडगार्ड वगैरह दिया गया है। उसके बाद पीछे के टायर की बात करते, तो पीछे का टायर काफ़ी हैवी चौड़ा दिया गया है, एकदम बढ़िया सा 100x90 cm के एडो व्हील के साथ में ये टायर मिलता है। ट्यूबलेस सीट्स पे भी आपको ग्रेपिक्स वगैरह मिल जाती है दोनों साइड। अब पीछे लुक की बात करते हैं, यहाँ पे साइड में तो आपको P150 की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके पास ये आपकी सीट है एकदम बढ़िया सी, इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक स्प्लिट सीट का भी आता है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। पीछे की बात करते हैं आपको, तो ये आपकी हैंड ग्रिल है बढ़िया सी ब्लैक कलर में। यहाँ पे LED टेल लैम्प मिल जाती है काफ़ी अच्छी स्प्लिट टाइप की। उसके बाद इंडिकेटर वगैरह सब कुछ पीछे का कुछ ऐसा लुक का भाई रिफ्लेक्टर दिया गया। उसके बाद साइड पे साइड गार्ड वगैरह आपको साइड में मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलता है ये साइड में खुला एकदम मिल जाता है, साइड में एडजस्टेबल फुटरेस्ट वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कोई लॉकर सिस्टम नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको साइड में ग्रेपिक्स वगैरह ये दी गई है। यहाँ पे साइड टर्फ सेंसर फीचर्स वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे बजाज की ब्रांडिंग दी गई है। तो ये इस साइड का आपका लुक है लेफ्ट साइड का। और यहाँ पे आपको टैंक साइज की बात करते, तो 14 लीटर का टैंक मिलता है, जो कि यहाँ पे एकदम ये है ऐसी कहानी। इसी में साइड को आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जो कि आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो होगी इस साइड की बात सारी। यहाँ पे ABS की ब्रांडिंग है, रिफ्लेक्टर वगैरह दिए गए हैं। अब बात करते हैं आपके हैंडल बार की, जो कि यहाँ पे मिरर अभी नहीं लगे, तो आपको मिरर लगा के मिलेंगे। और यहाँ पे आपको ये दिया गया है, यहाँ पे लो बीम, हाई बीम, पासिंग बटन, लेफ्ट इंडिकेटर वगैरह, हॉर्न वगैरह। यहाँ पे बात करते हैं राइट साइड की, यहाँ पे इंजन ऑन, स्विच ऑफ ऑन मिलता है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट, ये इसकी चाबी, आपको चाबी दिला देते हैं, मोबाइल चाबी मिलती है तो चाबी मिलेगी। इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मीटर आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बैटरी, ABS, साइड स्टोन का जो फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपके RPM मीटर वगैरह मिल जाता है, डिजिटल मीटर, सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, ABS की ब्रांडिंग, यहाँ पे लाइट मिलती है, न्यूट्रल वगैरह सब कुछ इसमें, सारे फंक्शन आपको रियल टाइम माइलेज वगैरह टाइम सब कुछ मिलेगा इस मीटर के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वैसे पल्सर N160 की तरह ही आपको यहाँ पे कुछ लुक ऐसा दिया गया इसका सेम। तो ये तो कि भाई यहाँ की बात, ये आपको LED इसकी दिखाते हैं आपको चालू करके, तो भाई इसकी आपको आवाज़ सुनाते हैं।
आप यहाँ पे कृष्णा ऑटो मोटर्स आ सकते हैं। प्राइस आपको बता दी 1,20,000 रुपये मोटर प्राइस है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। अगर मेरा आएंगे यहाँ पे आइए एक बार और भी कलर वेरियंट आते हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो ये होगी कहानी और बजाज एनी के साथ आपने पल्सर देखी होगी तो उसी का थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया तो आप देख सकते भाई मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है तो काफी अच्छा लुक दे रहा है काफी बढ़िया है। तो आप आइए एक बार विजिट करिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो कर देना आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए।